तो चलिए आज बनाएंगे हम भरवा भिंडी की सब्जी। आपको बहुत ही आसान तरीके से ये टेस्टी सब्जी बताएंगे। तो स्टार्ट करें आंटी, हाँ बताइए। यहाँ पे मैंने ये भिंडी ली है, ये नरम और सॉफ्ट भिंडी। हाँ हाँ ऐसे करके एक थोड़ी दिखा। हाँ तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके, हाँ हाँ ऐसे मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। अच्छा ऐसे करके, तो देखिए ये स्लिट करना है आपको। ओके अब मैं मसाले लूँगी। ये मैंने धनिया लिया है, एक चम्मच हमने कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया। ये मिर्ची है, 1 टीस्पून मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, रेड चिली पाउडर। ये हल्दी है, टर्मरिक 1 टीस्पून, और ये नमक, और ये पीसी हुई सौंफ है। अच्छा नॉर्मल आंटी, कच्ची सौंफ को पीस लिया है हमने, सौंफ का पाउडर यानी कि फेनल सीड्स पाउडर। और ये बेसन भुना हुआ है। अच्छा तो आंटी बेसन कितनी देर भुनना होता है? 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पे। इसका थोड़ा रंग चेंज हो जाए। अच्छा और हाँ इसे क्या है, कच्चे बेसन की वो खुशबू नहीं आती इसमें। इसमें मैं बस 1 चम्मच डालूंगी ज़्यादा, और ये थोड़ी सी अमचूर है, ड्राई मैंगो पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा रिफाइन ऑयल डालूंगी क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तो स्मेल करेगा। अच्छा तो हमें इसमें सरसों का ऑयल नहीं, आप कोई सा भी ऑयल जो यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वो आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं मंजू अब आंटी की किचन में, उनकी विदाउट अनियन गार्लिक सब्जी सीरीज चल रही है, और उसी के चलते हुए आज हम भरवा भिंडी की ये सब्जी आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा, और फिर अब ऐसे करके आंटी भिंडी को हमें भर लेना है। तो देखिए यहाँ पर भिंडी को ऐसे कर करके हम एक एक करके भर लेंगे, और साइड में हम यहाँ पे तेल भी डाल देंगे। हम भरवा भिंडी की ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। देखिए मसालों का ही खेल होता है, भिंडी को आपको स्लिट करना आंटी ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, बस अब आपको इसमें भिंडी के मसाले जो हैं वो भरने हैं, और रेडी हो जाएगी आपकी बहुत ही फटाफट ये वाली सब्जी। आंटी नरम और सॉफ्ट भिंडी लेने का कोई रीजन होता है? हाँ वो सीजेगी नहीं, अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छा सीजेगी नहीं अगर हम कड़क, और सीज भी गई तो भी अच्छी नहीं लगेगी। ओके तो देखिए यहाँ पर अब हमारा ऑलमोस्ट सारी भिंडी आंटी ने यहाँ पे मसाले आपके सामने फटाफट भर दिए हैं। भरवा भिंडी बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको भी भरवा वेजिटेबल्स पसंद है तो लाइक शेयर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, फटाफट बनने वाली है सब्जी, एक बार अगर आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए बन गई है, अब साइड में हमने यहाँ पे पैन भी रख लिया है, आंटी ने सारी भिंडी को वहाँ पे भर दिया है मसालों से। अब ये पैन रख दिया है, ये गरम हो चुका है। अगर आपको भी भिंडी पसंद है और आप कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। भिंडी की सब्जी फटाफट बनती है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, नॉर्मल तेल, मस्टर्ड ऑयल ये हम जो तेल आप खाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। आंटी ने यहाँ पे सरसों के तेल में वो सब्जियाँ बनाती हैं तो वो यूज़ करा है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे क्यूमन सीड्स। यहाँ पर देखिए आने लग गया है हमारा तड़का, तेल हमारा यहाँ पर गरम हो रहा है, तब तक हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। और देखिए जीरा हमने पहले डाल ही दिया, अब यहाँ पर हमने भिंडी, हमारी जो भरवा भिंडी है वो हमने डाल दी है। अब आंटी क्या करना है इसमें हमें? बस थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद ढक देंगे, एकदम सीम करके, कितना सीम होगा। अच्छा स्लो फ्लेम पे, और कितनी देर के लिए ढकेंगे? वो तो देखना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगी। 10 से 15 मिनट इसको ढक के स्लो फ्लेम पे हम रख दें। हाँ। तो अभी कितनी देर इसको फ्राई होने देंगे हम? 2 सेकंड। अच्छा 2 मिनट के लिए, देखिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए आप भिंडी को ऐसे फ्राई होने दीजिए, और फिर स्लो फ्लेम पे आपको इसको ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के बीच में। आपकी जो भिंडी है अच्छा बीच बीच में देखते रहना है आंटी। हाँ तो देखिए यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर इसको आप ढक दीजिएगा आप इस मौके पे, और 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे होने दीजिए। और देखिए आपके आंटी ने ऑलरेडी एक भिंडी यहाँ पे बना के रखी हुई है, सो बन गई है भिंडी आपकी, बन के ऐसे निकलेगी भिंडी आपकी, बन के ऐसे हो जाएगी। तो देखिए बन जाएगी भरवा भिंडी की सब्जी। थैंक यू सो मच आंटी फॉर अ लवली रेसिपी। फटाफट बनने वाली ये भिंडी की सब्जी रेडी हो चुकी है, ऐसी बन जाएगी 10 से 15 मिनट, बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहिएगा। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच एवरीवन।